मैं हूँ शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल दाल। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैं एक बड़ा कटोरी पानी ली हूँ, आधा कटोरी रहर दाल, आधा कटोरी आपका हरा धनिया पत्ती, कटे हुए दो बड़े टमाटर, कटी हुई बीन्स, कटी हुई गाजर, कटा हुआ मूली, कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्च, आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। सारी सब्जियों को धो करके अच्छी तरह से काट लेना है आपको। और अब मैं इस दाल को धो करके डालूंगी। और यदि दोस्तों हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अब मैं इस दाल को धो के ला चुकी हूँ। अब मैं इसे कुकर में डालूंगी सारी चीज़ें। और यदि दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस तरह से सारी चीज़ों को आपको डाल देना है, धनिया पत्ती, कटे हुए गाजर, कटी हुई बीन्स, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई मूली, कटी हुई हरी मिर्च, नमक 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ। इसे ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी आने तक आपको इसे गैस पे रखना है। इसे गैस पे फुल फ्लेम पे बैठा चुकी हूँ, 4 से 5 सीटी देगा तब हमें गैस बंद कर देना है, तब हमारी दाल पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा दाल अब बन के अच्छी तरह से तैयार है। देखिए देखने में कितना कलरफुल और कितना अच्छा है, और हेल्थ के लिए भी बहुत टेस्ट अच्छा है, टेस्ट भी इसका बहुत स्वादिष्ट है। और दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।